नमस्कार गुड इवनिंग मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग अपनी क्लास एट्थ के नहीं भैया क्लास नाइन्थ के प्यारे बच्चों के साथ नहीं क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास टेंथ के हमारे प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय है जिसे कहा जाता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना

शाम के बज गए हैं आठ आठ बज के हो गए हैं एक मिनट और बज के एक मिनट पर हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को शुरू करने वाले हैं इतिहास का ये हमारा बिंदु या फिर टॉपिक होने वाला है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हर प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत जबरदस्त तौर पर गुड इवनिंग हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और हमारी आज की इस क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से इंतजार कर रहे होंगे सर ज्योग्राफी भी होगा क्या रिमझिम जी ज्योग्राफी भी कराई जाएगी चिंता नको करो जी पहले हम लोग उन टॉपिक्स को रख रहे हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जिस टॉपिक की डिमांड है अब, अब सामने हम दोनों तरफ के क्या कर पा रहे हैं कॉमेंट्स को पढ़ पा रहे हैं दूसरी तरफ जो हमारी स्क्रीन होगी उस उसपे हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना चाहेंगे ठीक है जी बहुत ही बढ़िया तो हर एक बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है आठ बज के दो मिनट हो गए आप लोग अपनी क्लास के इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ अपने महिला मित्रों के साथ अपने पुरुष मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर उसी के साथ फिर हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू कर देंगे तो चैप्टर का नाम जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना बहुत ही अच्छे तरीके से मक्खन के तरीके से हम लोग आप सभी के साथ इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझेंगे क्योंकि आपके पेपर में यहां से आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन ठीक है दोस्तों तो आ जाइए आठ बज के दो मिनट हो गए हैं और हम लोग अब अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं यहां पर बहुत सारी नई नई चीजें आप सभी को जानने को मिलेंगी बहुत सारी नई नई चीजें आप लोगों को समझने को मिलेंगी तो हर एक चीज को हम लोग बहुत ही सरलतम तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप सभी के सामने डिस्कस करते चलेंगे शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले यही डिस्कस करना चाहेंगे आप सभी के साथ कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक चीज है जिसे कहा जाता है सिल्क रूट रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों रूट का मतलब होता है मार्ग इसको हम लोग जानेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे भोजन की यात्रा के बारे में अब ये दोनों चीजें क्या है इस सभी, इस सभी चीजों को लोग डिस्कस करें आ, हर बच्चा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कह रहे हैं पूछ रहे हैं हाउ आर यू सर आप कैसे हैं सर प्लीज इनका इनको स्टॉप कर दीजिए कुछ बच्चे यूट्यूब पर आ, अपनी ही बातचीत में लगे हुए हैं आपसे अनुरोध है कि कृपया करके अपनी बातचीत में ना लगे वरना ऐसा होगा कि आपको क्लास के अंदर दोबारा आने की अनुमति नहीं मिलेगी ठीक है दोस्तों बहुत ही बढ़िया अब हर बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिस टॉपिक को मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं दोबारा बता देता हूं इसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना इतिहास के अंदर आपको यह चैप्टर दिखता है मैं आप सभी के साथ सबसे पहले इस शब्द को समझना चाहूंगा भूमंडलीकृत क्या समझते हैं आप लोग इस शब्द से क्या आप लोग बताना चाहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉल भूमंडलीकृत आप भूमंडलीकृत शब्द से क्या समझते हैं आपके हिसाब से इसका क्या अर्थ हो सकता है इसकी क्या मीनिंग हो सकते हैं आप लोग इसके अर्थ को अगर बताना चाहें तो बताइए दोस्तों जल्दी बताइए हमारे पास समय की कमी है हाथ बजे चार मिनट हो गए तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए है ना सर ये कौन सा चैप्टर है मेरे लाल पीले नीले गुलाबी हरे संतरी अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना इतिहास में आपकी किताब में तीसरे पार्ट को हम लोग इस चैप्टर के नाम से जानते हैं ठीक है एक बार जरा आप मुझे बता दीजिए कि भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है जल्दी से एक बार आप जरा बता दीजिए कि भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है सर जी प्लीज मेरा नाम ले लो दीमक सिंह नाम है आपका दीवान नहीं नहीं दीमक सिंह नहीं है दीवान सिंह ठीक है यार आप लोग पढ़ाई पे फोकस नहीं करते आप लोग सिर्फ आ, नाम लेने पर फोकस करते हो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके पढ़ाई पे फोकस करें क्या लगता है दोस्तों आपको भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है ठीक है जल्दी बताइए भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा एक बच्चा कह रहा है सर भूमंडलीकृत का मतलब होता है एनवायरमेंट ठीक है और एक बच्चा कह रहा है सर भूमि का बनना बहुत अच्छी बात है सर पृथ्वी का बनना बहुत अच्छी बात है सर भूमंडलीकृत का मतलब होता है सर ये चैप्टर थ्री बहुत बड़ा है जी जी मेरे दोस्त बहुत बड़ा है सर भूमंडलीकृत का मतलब होता है पृथ्वी पृथ्वी का बनना पृथ्वी का बदलाव ठीक है बहुत बढ़िया तो हर एक बच्चे ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को प्रस्तुत किया है यहां पर अब हम लोग क्या कर लेते हैं आप सभी के साथ भूमंडलीकृत या फिर मैं इसके सामने एक और शब्द यहां पर रख रहा हूं और शायद आप लोग क्या कर लेंगे यहां पर इसके अर्थ को समझ लेंगे है ना अगर मैंने आपके सामने ये शब्द रख दिया है दोस्तों वैश्वीकरण कि आप लोग वैश्वीकरण को बता पाएंगे कक्षा नाइन्थ में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा और कक्षा दसवीं के अंदर भी आप लोग इसको देखते हैं क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि वैश्वीकरण से आप लोग क्या समझ हैं सर देश की अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल लेवल पर जोड़ना बहुत अच्छी बात है प्रिया जी आपका आंसर बहुत ही जबरदस्त है बहुत ही जबरदस्त है और देखते हैं कि हमारे और बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं सर ये कौन सा चैप्टर है चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना शुरुआत की छह मिनट हम सिर्फ चैप्टर का नाम बताने में ही आपको क्या कर चुके हैं इस्तेमाल कर चुके हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया अधिकतर बच्चे बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं और हर एक बच्चे की जो कहानी है वो पूरे पूरे तौर पर कहीं कही ना कहीं सही बन रही है अब हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं मैंने आपके सामने यहां पर दो शब्दों को रखा है पहला जो शब्द है मेरे दोस्त इसको कहा जा रहा है भूमंडलीकृत और दूसरा जो शब्द है इसका मतलब है वैश्वीकरण अगर मैं आपसे पूछू अगर मैं आपसे पूछू बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आज के समय से सौ साल पीछे अगर आप चले जाए समझ लीजिए आज के समय से अगर आप और मैं एकदम से सौ साल पीछे चले जाए क्या हम सौ साल पहले जाकर आज के समय की चीजें देख पाएंगे क्या पृथ्वी वैसे ही थी क्या लोग वैसे ही थे लोगों के खाने पीने का तरीका वैसा ही था लोगों के कपड़े पहनने का तरीका वैसा ही था लोगों की लाइफस्टाइल स्टाइल वैसी ही थी लोगों के बिजनेस करने का तरीका वैसा ही था जैसा आज है आज से अगर आप सौ साल पीछे जाए जल्दी बताइए दोस्तों क्या लगता है आपको नहीं सर ऐसा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नो सर नो सर नो सर नहीं सर ऐसा नहीं होगा और अगर आज के समय से मैं आपको 500 साल पीछे जाने की बात कहूं मैं कहूं कि चलिए भैया 500 साल पीछे चलते हैं सन 1700 के आसपास सन 1800 के आसपास चलते हैं जहां पर हम लोग अंग्रेजों को देखते हैं मुगल बादशाहों को देखते हैं और भारत के अंदर और दूसरे राजाओं को देखते हैं क्या उस समय के लोगों का भी जीवन हमारी तरह था क्या लगता है दोस्तों आपको है ना नहीं सर ऐसा नहीं था नहीं सर ऐसा नहीं था नहीं सर ऐसा नहीं था बिल्कुल सही आपने बात कही है सर ऐसा नहीं हो सकता तो हर एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए समय के हिसाब से आप लोगों ने देखा है कि चीजें परिवर्तित हुई हैं और चीजों के अंदर आप लोग देखते हैं कि बदलाव होता आया है है ना अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो शब्द है भूमंडलीकृत और उसी के साथ साथ वैश्वीकरण इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने क्या करा है बच्चों लोगों ने ना व्यापार के माध्यम से बिजनेस के माध्यम से अपनी दुनिया को ही बदल दिया है क्या है कि हमारी जो पूरी की पूरी दुनिया है ये कैसे परिवर्तित हुई है ये व्यापार की वजह से भूमंडलीकृत और वैश्वीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए एक देश है और उस देश के अंदर जो सामान है उस देश के अंदर जो सामान है वो दूसरे देश के अंदर पहुंचाया जा रहा है है ना एक देश का सामान दूसरे देश में पहुंचाना और दूसरे देश का सामान किसी और देश में पहचाना इसी को हम लोग वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकृत कहते हैं और अपने इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही समझेंगे कि दुनिया आज के समय में जैसी है कि भैया अमेरिका का सामान भारत आ रहा है भारत का सामान जापान जा रहा है जापान का सामान इटली जा रहा है और इटली का सामान पाकिस्तान आ रहा है ये आज के समय में तो बहुत आसानी से हो जाता है लेकिन इतिहास में जब शुरुआत हुई थी किस समय अवधि में हम लोग देखते हैं कि दुनिया में ऐसी चीजें होना शुरू हुई हजार साल पहले दो हजार साल पहले उसी को हम लोग अपने आज के इस चैप्टर में समझेंगे और उसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा सिल्क रूट को और उसी के साथ साथ भोजन की यात्रा के बारे में ये सिल्क रूट क्या है कि एक रास्ता था मेरे भाई और उसी रास्ते के जरिए आप लोग देखते हैं कि जो व्यापारी लोग थे आते थे जाते थे और क्या होता था आप देखते थे कि उसी से वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है पूछ लीजिए मेरे दोस्त आपका क्या सवाल है है ना? चलिए, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं आप सभी के साथ इस बिंदु को डिस्कस कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट आप लोगों के समक्ष यहां पर नहीं हो रहा है अब हम लोग क्या कर लेते हैं साथियों अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चों से अनुरोध होगा कि एक बार आप लोग थम्सअप दे देंगे और फिर हम लोग अपनी आज की इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के समक्ष डिस्कस करते चलेंगे ठीक है साथियों जी हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के साथ अपनी इस क्लास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट आप लोगों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है अः ठीक है ठीक है जी एक एक कर, कर हम लोग क्या कर लेते हैं आप सभी के साथ इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम हर एक चीज को आप सभी के साथ पढ़ते चलेंगे एक बार आप लोग देंगे दोस्तों और फिर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के साथ इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त आपको बता देंगे कि आपका क्या क्वेश्चन है आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें और बहुत ही सरलतम तरीके से हम हर एक चीज को आप सभी के साथ डिस्कस करते चलेंगे एक मिनट हम लोग करते हैं अपनी इस क्लास को शुरू बस एक मिनट आप हमें दीजिए और फिर हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हुए आगे बढ़ना जारी रखते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं चलिए जी हमें उम्मीद है कि अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट नहीं होगा और हम ये हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे थोड़ी सी दुविधा हुई थी और उस दुविधा को पूरे पूरे तौर पर क्लियर कर लिया गया है अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं आप सभी के साथ भूमंडलीकृत या फिर वैश्वीकरण को हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस कर चुके हैं और अब शुरुआत कर देंगे आप सभी के साथ कि आखिर ये सिल्क रूट क्या है और सिल्क रूट की पूरी कहानी क्या है इसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से आ, बहुत ही खूबसूरत बच्चे बहुत ही आदर्शवादी बच्चे बहुत ही ऐसे बच्चे हमारे साथ आए थे जो अपनी माता पिता को उसी तरीके से संबोधित करते हैं जैसे वो हमारी क्लास में भी कुछ देर पहले अपने साथियों को कर रहे थे तो जिस तरीके की शब्दावली यहाँ पर यूज की जाती है वो दिखाती है कि आप किस पर्टिकुलर परिवार से आते हैं और आप अपने परिवार का रिफ्लेक्शन यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं ठीक है तो ठीक अब शुरुआत कर देते हैं आप सभी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से इस प्यारे के प्यारे टॉपिक को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे उससे पहले एक बात को आप सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों वो क्या है कि मुख्य तौर पर डाउटनेट परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है हासिल बैच और इस हासिल बैच के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य तौर पर आप सभी के सामने कोर्स को रखा जाएगा जो डाउटनेट के बेहतरीन टीचर्स है यहाँ पर बहुत ही डिटेल तरीके से आपको टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा सप्ताह में आपका होगा टेस्ट और इस टेस्ट के बाद आप लोग देखते हैं कि आपको डेली होमवर्क दिए जाएंगे आपके बच्चों आप ही बच्चों के साथ आपका हिंदी का एग्जाम होगा और आपके साथ होगा गाइडेंस सेशन और आपके साथ ही हम लोग क्या करेंगे जो उस बच्चे इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेंगे उनके साथ होगा हासिल बैच तो इन सभी बेहतरीन फीचर्स के साथ डाउटनेट का ये कोर्स उपस्थित है आप लोग इस कोर्स को जरूर ले सकते हैं अब शुरुआत कर देते हैं दोस्तों पूरे पूरे तौर पर इस टॉपिक को हमें समझना होगा चैप्टर का नाम मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था इस चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना अब देखिए दुनिया आज के समय में जैसी है वैसी पहले नहीं हुआ करती थी अगर आप आज के आज के समय से 1000 साल पीछे चले जाएं अगर हम लोग आज के समय से 2000 साल पीछे चले जाएं तो आप लोग देखते हैं कि दुनिया उस तरीके की नहीं थी जैसी हमें आज दिखती है दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव हुआ है हुआ है कि नहीं हुआ है ना है ना ठीक है आप क्या देखते हैं कि दुनिया के अंदर उस प्रकार से चीजें हम नहीं देखते कि आज के समय से देखें कि आज का समय का जो हमारा दुनिया है आप लोग देखते हैं कि एक देश की जो सोच रही है या फिर आप लोग देखते हैं कि एक देश के जो विचार रहे हैं दूसरे देश तक कैसे पहुंच पाए भाई अमेरिका के अंदर जो विद्वान लोग थे या फिर भारत के अंदर जो ज्ञान की बातें थी वो भारत से बाहर कैसे पहुंच पाई अमेरिका के लोगों की सोच भारत में कैसे आ पाई दुनिया के अलग अलग लोगों की जो जीवन जीने का तरीका था वो एक दूसरों के साथ कैसे मिल पाया है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर ऐप नहीं खुल पा रहे तो कोई बात नहीं आप यूट्यूब पर क्लास कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सदियों से ऐसा होता आया आप देखते हैं कि सदियों से होता आ रहा है कि जो व्यापार है कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं जो बिजनेसमैन है जो व्यापारी लोग हैं ये एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहे हैं और इन्हीं की वजह से आप लोग देखते हैं कि संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहा है हजारों सालों के अंदर आप लोग देखते हैं कि एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह की संस्कृति से मिल पाई अफ्रीका के लोग कैसे जीवन जीते हैं हमें पता नहीं था भाई भारत के व्यापारी वहां गए वहां के व्यापारी यहाँ आए हमें पता चला कि वो लोग कैसे जीवन जीते हैं और उनको पता चला कि हम लोग कैसे जीवन जीते हैं और उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि चीजें होती चली गई सर आयुत और निर्यात और निर्यात क्या होता है आपको बता देंगे आप चिंता नहीं करें तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि व्यापारियों ने एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना शुरू किया और इसी से आप लोग देखते हैं कि जब व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू होते हैं तो उससे आप लोग क्या देखते हैं कि दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आता है लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई ऐसा समय होगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई ऐसा वक्त होगा जहां पर हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब भी भारतीय इतिहास की बात की जाती है जब भी हम लोग भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं भारत का जो पश्चिमी इलाका है जो आज का पाकिस्तान का एरिया है वहां पर आप लोग देखते थे क्या देखते थे बच्चों वहां पर हम लोग देखा करते थे कि मुख्य तौर पर यही वो लोग थे जिन्होंने दूसरी सभ्यताओं के लोगों से सबसे पहले क्या किया व्यापार करना शुरू किया तो आज के समय में जैसे भारत का सामान अमेरिका जाता है अमेरिका का सामान भारत आता है इसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले हो गई थी और सबसे पहले जो इसके प्रमाण हमें मिलते हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मिलते हैं इन्हीं लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया था उस समय की दूसरे लोगों के साथ तो जो व्यापार है दोस्तों व्यापार ने दुनिया को सबसे ज्यादा तौर पर क्या किया है प्रभावित किया है और लोगों की जिंदगी को बदलने में आप लोग देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा योगदान है और आधुनिक युग की अगर हम लोग बात करें कि मॉडर्न समय के अंदर जो तेजी से हमें बदलाव दिख रहा है उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे कारण है हमें भूमंडलीकृत विश्व का बनने से कि दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि इस प्रकार की चीजें हुई है ना सर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता गोलू मेरे दोस्त एक प्रकार से आप देखते हैं कि सभ्यता का मतलब क्या होता है सभ्यता का मतलब होता है लोगों का रहना भाई आज से आप लोग देखते हैं कि पच्चीस ईसा पूर्व है ना ईसा के जन्म से भी लगभग 2500 साल पहले भारत का जो हमारा इलाका है जो पश्चिमी इलाका है जो आज के समय में पाकिस्तान कहलाता है वहां पर बहुत से शहर हुआ करते थे और उन्हीं शहरों में से एक शहर था सिंधु उसी उसी उसी, उसी शहर में सिंधु नदी हुआ करती थी उसी नदी के बराबर में आप लोग देखते हैं कि ये बहुत सारे शहर थे हड़प्पा मोहन और उसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं ठीक है है ना तो यहां पर अभी तक हमने दो चीजों को आपके सामने रखा है अब एक बच्चे का सवाल है कि सर आयात और निर्यात का मतलब क्या होता है? है ना एक बच्चे का सवाल है कि सर आयात और निर्यात का मतलब क्या होता है जब हमारे देश का सामान क्या होता है जब जब किसी दूसरे देश का सामान हमारे यहां पर आता है आने देना इसे हम लोग आयात कहते हैं और जब हमारे देश का सामान किसी दूसरे देश में जाता है तो हम लोग इसे निर्यात कहते हैं जाने देने का मतलब होता है कि हमने अपना सामान भेजा उसे निर्यात कहा और आने देने को हमने आयात कहा इंपोर्ट इसे कहा जाता है इंपोर्ट और इसे कहा जाता है, कहा जाता है एक्सपोर्ट ठीक है दोस्तों पीछे वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया क्या ये क्लियर है क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए जैसा आप लोग कहेंगे फिर हम लोग वैसा ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे ठीक है क्लास कब स्टार्ट हुआ ये क्लास मुख्य तौर पर सात आठ दस मिनट पहले स्टार्ट हुआ है ठीक है दोस्तों ये वाला पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है इज दिस थिंग क्लियर शुड आई रिपीट शुड आई नॉट रिपीट बता दीजिए है ना थिंग्स की अदला बदली बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ठीक है बताइए दोस्तों क्या ये चीज क्लियर है क्या ये चीज क्लियर है क्या ये चीज क्लियर है क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत है एक बार आप लोग बता दीजिए एक बार आप लोग बता दीजिए सर ईस्वी और ईसा में क्या फर्क होता है मेरे दोस्त ये एक ही है ये एक ही है आप चिंता नहीं करें चलिए मैं एक बार दोबारा बताता हूं यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी अभी हमने आप सभी के साथ ये डिस्कशन किया कि दुनिया के अंदर जिस प्रकार की दुनिया हम लोग देखते हैं इसको बनने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो व्यापारियों का या फिर व्यापार का था एक देश के लोग दूसरे देश में गए एक समाज के लोग दूसरे समाज में गए और ये जो व्यापारी लोग थे जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर गए तो ये अपने साथ बहुत सारे आइडियाज लेके गए यूरोप के लोग जब भारत में आए भारत के लोग जब यूरोप में गए तो यूरोप के लोगों को भारत के लोगों की तरह खाना पीना रहना कपड़े पहनना पता चला और ऐसे ही उन लोगों को हमारी तरह का जीवन जीने के बारे में पता चला ये व्यापार के द्वारा आप लोग देखते हैं कि विचारों का तो आदान प्रदान हुआ ही एक इलाके की संस्कृति दूसरे इलाके की संस्कृति के साथ शेयर होती गई और इससे आप लोग देखते हैं कि दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके पे बदलाव आया हमने ये देखा कि भैया ये जो विचारों का आदान प्रदान है या फिर ये जो संस्कृति का आदान प्रदान है इसकी शुरुआत कब हुई तो हम लोगों ने देखा कि लगभग पच्चीस 2520 बीस पच्चीस बीस बीसवीं बीसी का मतलब क्या होता है बिफोर क्राइस्ट ईसा के जन्म से पहले कुछ लोग रहा करते थे पश्चिमी भारत की तरफ जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं ये सिंधु नदी के पास रहते थे इन्होंने ही उस समय क्या किया था उस समय के जो दूसरे लोग थे मिस्र के जो राजा थे उनके साथ बिजनेस करना शुरू किया था और उसके बाद फिर हम आधुनिक युग के अंदर क्या देखते हैं बड़े लेवल पर तो बिजनेस देखते ही है कि एक देश का सामान दूसरे देश में बेचा जाता है और एक देश की बनी वस्तु दूसरे दूसरे इलाके के अंदर भेजी जाती है अब आगे बढ़ते हुए यहां पर हम लोग क्या करते हैं चीजों को डिस्कस करते हैं सर भारत से भारत का सामान कौन से देश में जाता है सर भारत से बहुत से देश क्या करते हैं बेटा सामान को खरीदते हैं भारत के मसाले भारत की कपड़े ये दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हैं लोग दीवाने हैं भारत के इन सामानों के अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक रास्ता है दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं सर शाहानी का नाम ले लीजिए मेरे दोस्त फोकस कीजिए क्लास के अंदर देखिए दुनिया के अंदर एक रास्ता है और इसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं सिल्क रूट या फिर सिल्क मार्ग कहते हैं अगर मैं सिल्क रूट कह रहा हूँ रूट का मतलब क्या होता है रास्ता इंग्लिश में से रूट कहा जाता है हिंदी में से मार्ग या फिर रास्ता कहते हैं दुनिया के अंदर एक रास्ता है जो शुरू होता है चीन से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा क्योंकि आपके पेपर में ये चीज पूछी जाती है स्टडी ग्रुप शिवम आप अपने सवाल को क्लास के आखिर में पूछ लीजिएगा मैं आंसर दे दूंगा पूछा जा रहा है देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सिल्क रूट की क्या है दोस्तों सिल्क मार्ग या फिर सिल्क रूट की बात कर रहे हैं एक रास्ता है दुनिया में आप देखते हैं कि लगभग हजार साल पहले ये रास्ता मौजूद था और आज के समय में भी ये रास्ता मौजूद है और जो व्यापारी लोग थे क्योंकि आज के समय में तो हमारे पास प्लेन है हमारे पास रेलगाड़ियां हैं उस समय अच्छे यातायात यात के साधन नहीं थे आज से हजार साल पहले तो ये जो रास्ता है ये चीन से शुरू होता था और चीन से शुरू होता हुआ ये यूरोप तक जाता था आप क्या देखते हैं कि एक रास्ता था मेरे दोस्तों जो चाइना से शुरू होता था कहां से से शुरू शुरू हो रहा था 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 आप आप देखते देखते हैं कि कि एक रास्ता था जो चाइना चाइना होता और के बाद आप देखते थे कि ये इंडिया पहुंचता था उसके बाद ये ईरान पहुंचता था उसके बाद फिर ये अरब देशों में पहुंचता था और फिर यहां से इसी रास्ते से आप यूरोप पहुंच सकते थे ये जो रास्ता था ये जमीन के जरिए जो लाल लाइन आप देख रहे हैं ये जमीन के रास्ते भी ये रास्ता मौजूद था और इसी रास्ते को हम लोग ये जो सिल्क रूट है ये हम पानी के रास्ते में भी क्या कर लिया करते थे इसको पूरा कर लिया करते थे तो यूरोप के लोग चीन पहुंच रहे हैं अरब पहुंच रहे हैं ईरान पहुंच रहे हैं भारत पहुंच रहे हैं और ऐसे ही और और देशों के लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे कर रहे थे जुड़े हुए थे ये सभी आपको दिख पा रहा था कि सिल्क रूट की वजह से ही था

उसमें आप लोग देखते हैं कि सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था और सिल्क रूट की वजह से ही आप क्या देखते हैं कि दुनिया के अंदर व्यापार की जो सबसे बड़ी प्रमाणिकता है आप देखते हैं कि लगभग सन एक सन 1100 से लेकर सन 1500 के आसपास तक ये जो रास्ता था ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेड रूट था व्यापार का रास्ता था और इसी जरिए पूरा का पूरा जो पश्चिमी एशिया था वो यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था तो यूरोप के लोग अंग्रेज थे ये सारे के सारे भारत आ पा रहे थे अर, अरब देश आ पा रहे थे चाइना आ पा रहे थे और चाइना के लोग यूरोप जा पा रहे थे इसमें सबसे बड़ी वजह थी आपकी सिल्क रूट की ठीक है दोस्तों यहां तक की बात क्लियर है बता दीजिए क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है मुझे रिपीट करने की आवश्यकता है या फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता है जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे बताइए जी क्लियर है सर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हो गया है क्या जी जी सेकंड चैप्टर हो गया भारत में राष्ट्रवाद ठीक है ठीक है पायल जी ठीक है बहुत बढ़िया स्पेगेटी का जन्म कब हुआ बता देंगे चिंता नहीं करें धीरे धीरे करके बताएंगे ना आपको एक बार जल्दी से आप लोग थम्सअप देंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में नहीं आने देना है मेरे भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है हर चीज बिल्कुल सिंपल है मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक रास्ता है जो चीन से शुरू होता है दुनिया के अंदर एक रास्ता है आज से हजार साल पहले आज के समय में तो प्लेन है ट्रेन है तो रास्ते आसानी से

लेकिन इस सिल्क रूट से सिर्फ रेशम का ही व्यापार नहीं हो रहा था दोस्तों इससे आप लोग देखते थे कि जो चीन के बर्तन थे वो दूसरे देशों तक पहुंचते हैं आप लोग देखते हैं कि सिल्क रूट से या फिर सिल्क सिल्क मार्ग से सिर्फ सिल्क यानी कि रेशम ही नहीं खरीदा बेचा जा रहा था इस रास्ते के बन जाने की वजह से जो चीन के बर्तन थे वो दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते हैं और उसी प्रकार से उसी प्रकार से आप लोग देखते हैं कि जो यूरोप के यूरोप और उसी के साथ साथ जो आपका मध्य एशिया ये जो इलाका था यहां पर जो सोना चांदी था वो और इलाकों के अंदर आप लोग देखते हैं कि पहुंचने लगता है और इसी रास्ते के जरिए आप लोग देखते हैं कि जो धर्म था धर्म के जो क्या थे बच्चों आप लोग देखते हैं कि जो प्रचारक थे जो भारत से आप देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे वो चाइना पहुंचते हैं और ऐसे ही अरब धर्म के जो अरब से जो मुस्लिम धर्म के प्रचारक थे वो भारत पहुंचते हैं तो इस सिल्क रूट ने दुनिया को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आप देखते हैं कि सिल्क रूट की वजह से ही दुनिया के अंदर व्यापारिक तौर पर बहुत जबरदस्त क्या हुआ चेंज हुआ भैया सामान तो पहुंच ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ नए नए विचार भी पहुंचे नए नए विचार जैसे भारत से बौद्ध धर्म जो था नए विचार चाइना पहुंचे अरब से जो नए विचार थे वो क्या पहुंचे भारत पहुंचे और चाइना पहुंचे और आगे यूरोप के और देशों में भी आपको पहुंचते हुए देखते हैं ठीक है तो यहां तक तो हमने सिल्क रूट की कहानी को देखा है ना सर सिल्क रूट यानी कि रेशम का रास्ता जो शुरू होता था चीन से और उसी के बाद ये रास्ता ईरान अरब देश और यूरोप पहुंचता था बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त यहां तक की बात क्लियर है यहां तक की बात मुझे बता दीजिए कि क्लियर है है ना संस्कृति और भोजन का भी आयात निर्यात होता था जी हाँ मेरे दोस्त संस्कृति का मतलब हुआ कि एक दूसरे, एक दूसरे देश के लोग दूसरे देश के लोगों के कपड़े पहनने के तरीके खाने पीने के तरीके कुछ देखते हैं सीखते हैं समझते हैं अब उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर अपनी इस, इस क्लास के अंदर इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं सर आई एम न्यू हयर आई एम न्यू हीयर अच्छी बात है राहुल बेटा ठीक है सर इसका नाम सिल्क रूट ही क्यों रखा गया इसके पीछे वजह यह है कि इस रास्ते से ये जो रास्ता मैंने आपको बताया यहां से रेशम जो सिल्क है जो एक कपड़ा है वो सबसे ज्यादा भेजा जाता था और इसी वजह से इस रास्ते का नाम सिल्क रूट या फिर रेशम रूट पड़ गया था चलिए आगे बढ़ते हैं है ना चलिए सर ऐप पर क्लास ओपन नहीं हो रही तो मेरे दोस्त आप यूट्यूब पर कर लीजिए आप यूट्यूब पर हैं आप यूट्यूब पर कर लीजिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से हम लोग एक और चीज को आप सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं कि आगे की कहानी क्या होती है उसको अच्छे तरीके से देखते हैं सर प्रचारक का मतलब क्या होता है प्रचारक का मतलब होता है जो व्यक्ति प्रचार करता है जो किसी चीज पर क्या करता है जो उसको एडवर्टाइज करता है जो अपने धर्म के बारे में बताता है उसे प्रचारक कहा जाता है ठीक है अब आगे की तरफ बढ़ते हैं है ना सर सिल्क इंडिया कहीं था क्या सिल्क रूट इंडिया में भी था मेरे दोस्त मैंने आपको बताया पीछे अब आगे बढ़ते हुए देखिए सिल्क रूट के जरिए अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने देखा कि सिल्क रूट के जरिए यहां पर हमने देखा कि चीन के सामान और देशों में पहुंच रहे हैं अलग अलग विचारों अलग अलग धर्मों की सोच दूसरे दूसरे धर्मों में दूसरे दूसरे इलाकों में पहुंच रही है लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो भोजन था या फिर जो खाने पीने की सामान थे उसने भी पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया कैसे इसको यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब व्यापारी लोग जब व्यापार करने वाले जो व्यापारी लोग थे एक देश से दूसरे देश में पहुंचे जब भारत के व्यापारी अफ्रीका पहुंचे पहुंचे जब पहुंचे। जब अफ्रीका के के व्यापारी व्यापारी अमेरिका अमेरिका भारत आए तो जब एक देश के व्यापारी दूसरे देश में पहुंचे तो वहां के लोगों को दिखा रहे भैया भारत के लोग तो समोसा खा रहे हैं अरे भैया चाइना के लोग तो नूडल्स खा रहे हैं तो एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों का खाने पीने की आदतों के बारे में पता चला आप देखते हैं कि व्यापार की वजह से एक देश का जो भोजन था वो दूसरे देश तक क्या हो जाता है पहुंचना शुरू हो जाता है इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि नूडल भैया भारत का नहीं है आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा भारत ये जो नूडल है ये मुख्य तौर पर हमारे भारत का नहीं है ये आपको कहां से दिख रहा है ये आपको चाइना से आता हुआ दिख रहा है और व्यापारियों के जरिए जो सिल्क रूट था इसी के जरिए आप लोग देखते हैं कि इसी सिल्क रूट के जरिए ये जो नूडल था जिसे आप मैगी भी कहते हैं ये हमारे देश में आया तो आज के समय में ये जो हर एक घर की पहचान बन चुका है कि

सर मटर का पौधा कहां लगाया गया है मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया शायद ये सोशल साइंस से संबंधित सवाल नहीं है ठीक है अब आपको आंसर देना है आपको कोई ऐसी चीज बतानी है जो भारत से नहीं आई है है ना जो बाहर से आई है जैसे आपने देखा कि ये जो नूडल था भैया ये चीन से आया है कि आप लोग कुछ और ऐसे ही भोजन के एग्जाम्पल देंगे जो भारत के नहीं है जो दूसरे देशों से आए हुए हैं जल्दी बताइए है ना जल्दी बता दीजिए सर ऐप पर क्लास क्यों नहीं ओपन हो रहा कभी कभार टेक्निकल एरर हो जाता है मेरे लल्ला चिंता नक्को करो जी आप यूट्यूब पर क्लास कर लीजिए आप दोस्तों बताइए कि ऐसे कौन से खाने हैं ऐसे कौन से खाने पीने की चीजें हैं जो हमारे देश की नहीं है बाहर से आई हैं हमारे देश में बता दीजिए मोमोज सर चाय सर उसी के साथ आलू सर पिजा सर पास्ता सर बर्गर सर फ्रेंच फ्राइज आह आह लगता है सब चीजें मंगानी पड़ेंगी भैया सब चीज़ें मगाओ अब क्लास के बाद वो सब चीजें खाई जाएंगी आ, सर पिजा है ना आ, बर्गर बिल्कुल सही बर्गर हुआ फ्रेंच फ्राइज हुआ इडली अरे इडली हमारे देश का है लल्ला क्या बात कर रहे हैं आप साउथ इंडिया जाइए ना हमारे ही देश का है इडली तो पिज्जा हुआ मोमोज हुए बर्गर हुए आ, उसी के साथ आप देखते हैं कि चाय हुई ये दूसरे इलाकों से हमारे देश के अंदर आई है पास्ता हुआ जी 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 ठीक है क्या कोई और एग्जाम्पल देंगे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं और सोचिए है बच्चों और सोचिए है।, है ना और सोचिए डोसा हमारे देश का है दोस्त डोसा दो, हमारे ही देश का है और कुछ और सोचिए कुछ और सोचिए है। देखते हैं कि आप लोग क्या सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो अधिकतर ये वो चीजें हैं जो हमारे देश की नहीं है जो दूसरे देशों से हमारे देश में आई है क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश की बाहर दूसरे देशों में बहुत ही चाव के साथ खाई जाती हैं भैया हमारे देश की कुछ ऐसी चीजें जो बाहर के देशों में बहुत ही ज्यादा चाव के साथ बहुत ही ज्यादा क्या है प्रसिद्धि के साथ खाई जाती है हमारे देश का जो समाज समोसा आह समोसा है ना सर जलेबी आह आह जलेबी ठीक है सर डोसा सर सर सैंडविच ठीक है और देखते हैं हमारे देश का सामान जो दूसरे देश के लोग बहुत पसंद करते हैं आ, सर मसाले बिल्कुल सही हमारे देश के मसालों के तो दीवाने हैं लोग आ, सर डोसा इटली सर पास्ता भारत का है सर एक बच्चा है सर पास्ता भारत का है सर हम ही बनाए थे कल हम ही बनाए थे सर पास्ता अच्छा 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 आ, सर रसगुल्ले ठीक है आ, सर दाल चावल बिल्कुल सही भाई भारत की ये सबसे बेहतरीन डिश है मजा आ जाता है मजा ही आ जाता है है ना सर गोलगप्पे हा 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 गोल गप्पे पानी पूरी क्या बात है तो ये हमारी वो डिशेस हैं जो भारत के लोगों ने भारत के व्यापारियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाई ऐसे ही बहुत सी ऐसी डिशेस रही या फिर खाने पीने के सामान रहे जो दूसरे देश के व्यापारियों ने हमारे देश के अंदर ला दिए और ये कैसे हो पाया भाई हमें नूडल के बारे में पता नहीं होता हमें बर्गर फ्रेंच फ्राइज और उसी के साथ साथ पिज्जा के बारे में पता नहीं होता अगर उस समय के व्यापारी यहां पर नहीं आते और अपने इलाकों के खाने यहां पर नहीं लाते और ऐसे ही हमारे देश के व्यापारी अगर उनके इलाकों में नहीं जाते तो उनको भी हमारे देश के खानों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लोग देखते हैं कि ऐसी तो चीजें रही जैसे हमने देख लिया कि चीन से आया हमारा नूडल भारत का सिवई अलग अलग देशों में गया और इटली का स्पेगेटी अलग अलग इलाकों तक पहुंचा अब यहां पर हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो आपका आज का आलू है या फिर जो हमारा टमाटर है मिर्च है सोया है मूंगफली है मक्का है शकरगंदी है ये जो आपकी खाने पीने की चीजें हैं जिसको हम लोग आए दिन क्या करते हैं प्रयोग में लाते हैं आप देखते थे कि ये एक देश के अंदर पैदा नहीं हुआ आज तो आलू दुनिया के हर एक

आप लोग क्या देखते हैं कि इस आलू ने क्या कर दिया बच्चों यूरोप के जो लोग थे क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और वहां पर जो मांस होता है उसको खरीद पाना थोड़ा महंगा होता है लेकिन आलू आपको गर्मी भी दे देता है और आपको शक्ति भी देता है इसीलिए लोग क्या कर रहे थे लोग बेहतर खाने की ओर सोच रहे थे और ये आलू इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था यूरोप के अंदर लगभग आज से चार साल पहले आयरलैंड कर एक देश है ना वहां पर आप लोग देखते हैं कि लगभग 1840 के आसपास आप यहां पर देखते हैं कि आलू की जो फसल थी वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ खराब हो जाती है और इस आलू की फसल की वजह से जो लाखों लोग थे आपको आयरलैंड के अंदर मरते हुए देखते हैं और इसको हम लोग आयरिश अकाल के नाम से जानते हैं तो यही हमने देखा कि भैया एक खाने के ऊपर इतनी ज्यादा उपलब्धता हो गई थी कि अगर ये खाना खराब हो गया ये आलू खराब हो गए थे सड़ गए थे तो इसकी वजह से जो पूरा का पूरा आयरलैंड था वहां पर लाखों लोगों की जान आपको क्या हो गई है खत्म होते हुए दिखती है है ना सर आलू का अकाल भी किसी देश में हुआ है मेरे दोस्त हाँ आलू का अकाल आपने देखा आयरलैंड के अंदर हुआ है अट्ठारह में हुआ है ये यूरोप का एक देश है और यहां पर लोगों की इतनी ज्यादा क्या हो गई थी निर्भरता हो गई थी इस आलू के ऊपर कि जब ये खराब हुआ तो इस देश के अंदर बड़े लेवल पर हाहाकार हुआ ठीक है तो ये हमने आपके साथ सारे बिंदुओं को रखा इस चैप्टर की शुरुआत ही हमारे घर आइएगा जरूर खिलाएंगे सर आलू यूरोप में फेमस है जी हाँ बहुत फेमस है क्योंकि आलू एक ऐसा पदार्थ है जो गर्मी देता है वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है और अपने शरीर को वार्म रखने के लिए वहां के लोग सस्ते तौर पर अच्छे तौर पर आलू को खाते हैं आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है हमने आप सभी के साथ सिल्क रूट की पूरी कहानी को जाना क्या है कहां से आया क्या है और उसके साथ-साथ फिर हमने भोजन की यात्रा को समझा कि दुनिया में एक खाना दूसरे देश से दूसरे देश तक कैसे पहुंचा हमारे देश का खाना हमारे देश के बाहर और उनका खाना का खाना हमारे यहां कैसे पहुंचा उसको हमने जाना सर ये कौन सा चैप्टर है मेरे दोस्त दोस्त हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर अब बारंबारता सारणी के बारे में मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और आपका ये जो सवाल है यहां पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ठीक है? है लल्ला कैसा सवाल पूछते हो सर जी ये कौन सी क्लास चल रही है सर जी ये कौन सा विषय चल रहा है सर जी ये कौन सा टॉपिक चल रहा है आप एक बार टाइम पर आया करें क्लास को तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी सर पास्ता का अकाल किसी देश में हुआ है नहीं बेटा ऐसा नहीं हुआ है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के साथ आपके क्विज के सवालों की तरफ आपको लेके चलेंगे सर पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे मेरे दोस्त पीडीएफ के नोट्स आपको इस क्लास के अंदर नहीं मिल पाएंगे उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं वो सिर्फ हासिल बैच के बच्चों के साथ ही शेयर होते हैं चलिए सर एक देश का एक देश से दूसरे देश की लैंग्वेज पहले कैसे समझ में आती थी बहुत डिफिकल्ट होता था, था। बहुत अच्छा सवाल पूछा आज के समय में तो भाई दुनिया के अंदर इंग्लिश है कि भाई हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग बातचीत कर लेते हैं लेकिन अगर आप हमारे देश में 100 साल पहले या फिर 300 साल पहले अंग्रेज आए भैया भारत के अंदर लोगों को अंग्रेजी आती ही नहीं थी कैसे बात करी तो उन लोगों ने हमारी भाषा को सीखा और हम लोगों ने उनकी भाषा को सीखा और उसी के जरिए आ, विचारों का आदान प्रदान हुआ चीजों को सिखाया गया यह है पूरी कहानी सर एक बार बता दीजिए कि ये क्लास की टाइमिंग क्या है मेरे दोस्त हमारी ये क्लास मंडे से लेकर सैटरडे तक होती है शाम को आठ बजे होती है ठीक है सर केक कहाँ का है केक जो है मेरे दोस्त यूरोप का है केक जो है वो मुख्य तौर पर यूरोप का है और उसके बाद फिर ये दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलना शुरू हो गया अब अपने इलाकों के अब सवाल के करते चलिए शुरुआत कर देते हैं है ना सर राजू आपका दोस्त है क्या हाँ यार राजू हमारा दोस्त है कभी मिलवाएंगे आपसे चलिए एक बार आप लोग क्या करते हैं जल्दी से एक बार थम्सअप दीजिएगा तो हम लोग आप सभी के साथ फिर क्विज के को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक बिंदु को आप सभी के साथ पढ़ते चलेंगे है ना एक बार जल्दी से आप लोग थम्सअप देंगे तो फिर हम लोग जल्दी से अपनी इस क्लास को शुरू कर लेंगे क्लास को शुरू से आखिर तक करेंगे और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं आने देंगे बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों क्विज के क्वेश्चंस देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसको समझ लेते हैं और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से चीजों को देखते हैं सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि सिल्क रूट किस देश को अन्य देशों से जोड़ता था है ना वो कौन सा देश था जहां से सिल्क रूट की शुरुआत हो रही है और फिर वो दूसरे देशों के साथ जुड़ता चला जाता था ये आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश था जहां से सिल्क रूट की शुरुआत होती है और फिर वो दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ता चला जा रहा था बताइए दोस्तों है ना जल्दी से बताइए देखते हैं कि कौन बच्चा या बच्ची सही तरीके से आंसर को प्रस्तुत करेगा और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ YouTube पर लगभग 178 या फिर 180 बच्चे बैठे हैं और लाइक मात्र 120 सौ बीस है कंजूसी लाइक में कंजूसी ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों आपको लाइक के अंदर कंजूसी नहीं करनी है जल्दी से थम्सअप देना है और जल्दी से थम्सअप देकर फिर हमें पूरा करना है।, है ना जल्दी से एक बार लाइक्स में भी थम्सअप बढ़ा दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लाइक बाइक कर दीजिए क्लास को जल्दी से जल्दी से लाइक कर दीजिए जितने बच्चे बैठे हैं कम से कम उतने तो लाइक कर ही दीजिए है ना गुरु को गुरु दक्षिणा दे दीजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से अधिकतर बच्चे आंसर सही दे रहे हैं सर मेरा नाम राज परोहा है अच्छी बात है परोहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत जबरदस्त आपका नाम है तो 145 लाइक्स हुए हैं 152 लाइक्स हुए हैं जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए 158 हो गए हैं दोस्तों और देखते हैं कि अभी कितना हो सकता है और देखते हैं कि अभी कितना हो सकता है और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 157 और 160 बहुत जबरदस्त चलिए अभी तक हमने देखा कि जो दुनिया के अंदर ये जो सिल्क रूट है इसकी शुरुआत आप लोग कहां से देखते हैं इसकी शुरुआत चीन से होती है चीन से होता हुआ ये हमारे देश भारत आता है भारत से फिर ये ईरान पहुंचता है ईरान से फिर यही रास्ता अरब देशों में जाता है और अरब देशों के बाद आप लोग देखते हैं कि ये यूरोप पहुंचता है और इसी के जरिए आप लोग देखते हैं कि खाने पीने के सामान हुए विचार हुए एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचे हैं अगला सवाल देखते हैं कि सिल्क रूट संबंधित थे सिल्क रूट जो था वो कहां से संबंधित था जल के जमीनी रास्ता था कि पानी का रास्ता था या फिर ये वायु वाला रास्ता था या फिर सड़क मार्ग था या फिर ऑप्शन ए और बी ठीक है दोस्तों ये आपको बताना है है ठीक ऑप्शन सॉरी ए और सी बताइए कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर सही दिखता है सिल्क रूट संबंधित था जल मार्ग था ये या फिर ये वायु मार्ग था या फिर ये सड़क मार्ग था या फिर ऑप्शन ए और सी ये आपको जल्दी से बता देना है बताइए दोस्तों क्या लगता है आपको है ना जल्दी से आपको आंसर को प्रस्तुत करना है जल्दी बताइए दोस्तों क्या लगता है जल्दी से आपको आंसर को प्रस्तुत कर देना है ठीक है सर ऑप्शन डी करिए सर ऑप्शन डी करिए सर ऑप्शन डी दी कर दीजिए बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों तो आपने देखा कि जो सिल्क रूट है ये पानी के रास्ते से भी हो रहा था और सड़क रास्ते से भी हो रहा था इसका मतलब ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही बनते हैं अगला सवाल देखते हैं पूछा जा रहा है कि एशिया को यूरोप से है ना ये क्या है दोस्तों ये यूरोप है एशिया को यूरोप और उसी के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है बहुत अच्छा सवाल है पेपर में यह क्वेश्चन भी आप लोग देखते हैं कि पूछा गया है कि एशिया को यूरोप से और उत्तरी अफ्रीका और और के आगे के इलाकों को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसका नाम क्या है इसको आपको जल्दी से बता देना है जल्दी बताइए दोस्तों क्या लगता है आपको बहुत ही बढ़िया बहुत सर आपको एक्टिंग करना चाहिए सर आप संडे करा दीजिएगा कुछ ठीक है करा देंगे संडे को मगर कराना क्या है, ये तो बता दो ठीक है आ, सर क्लियर नहीं दिख रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है तो चश्मा पहनना पड़ सकता है क्या मेरे दोस्त क्लियर है बड़ा बड़ा है है ना हम देख पा रहे हैं कि हर चीज साफ है आपको अपना रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ सकता है जो आपके पास ऑप्शन होता है ना <coughs> उसको आपको चेंज करना पड़ेगा चलिए तो एशिया को यूरोप और उसी के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका से जो जोड़ने वाला रास्ता है उसको हम लोग सिल्क मार्ग कहते हैं या फिर सिल्क रूट भी कहते हैं ये शुरू होता है चीन से बार बार बताने की वजह यही है कि आपके दिमाग में छप जाए चीन से शुरू होकर ये हमारे प्यारे देश भारत आता है भारत से यही रास्ता ईरान पहुंचता है ईरान से फिर ये अरब देशों में पहुंचता है और अरब देशों से आप लोग देखते हैं कि फिर ये, ये यूरोप पहुंचता है और इसी रास्ते के जरिए हजारों चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है तो ये तो हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चन थे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आप सभी के सामने रखा और आपने बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को किया दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं कि आज की इस क्लास के होमवर्क मैं आपके सामने रख देता हूं ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आप लोग इन क्वेश्चन को जिनको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं उनको जरूर कर लीजिएगा सर हम होमवर्क नहीं करेंगे सर हम होमवर्क नहीं करेंगे आप क्या कर लेंगे मेरे दोस्त आपको होमवर्क करना होगा तो ये आपके लिए बेहतर है अगर आप आप नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें खो सकते हैं ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर आते हैं तो जो बच्चे होमवर्क को करते हैं और रोजाना अपने होमवर्क को शेयर करते हैं वो अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं अब आपको होमवर्क कहा भेजना है मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारी जो क्लास होगी वो कल होगी कल हमारी क्लास यानी कि मंगलवार के दिन आप लोग देखते हैं कि हमारी ये क्लास होगी और उसके दिन आठ बजे हमारी ये क्लास होगी डाउटनेट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर और जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आप लोग ये क्लास होते हुए देखेंगे आप लोग सेवन फिफ्टी से लेकर सेवन फिफ्टी सेवन तक कल की जो क्लास के कमेंट्स होंगे उसमें अपने होमवर्क को शेयर कर दीजिएगा अगर आप होमवर्क शेयर भी नहीं कर रहे तो आप लोग इन होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा कॉपी पे लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है है ना ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ चीज को डिस्कस कर लेते हैं टाइम टेबल मैंने बताया कि सोमवार से लेकर शनिवार तक रात को को बजे बजे या फिर शाम को बजे। सर मुझे कुछ आपसे सवाल पूछना है पूछिए सिराज खान भाई साहब तो ये क्वेश्चन से अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसका लेक्चर नंबर टू हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे अब तक तो हमने ये देख लिया कि सिल्क रूट ने कैसे दुनिया को प्रभावित किया और उसी के साथ साथ भोजन ने कैसे प्रभावित किया अपना बीमारी नहीं भैया एक देश में बीमारी पहुंची दूसरे देश से और उस बीमारी की वजह से उस देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि उस देश को ही जीत लिया गया हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में आपको अगली क्लास के अंदर कल, कल की क्लास में पता चलेगा कि अमेरिका जो देश है जो आज का इतना शक्तिशाली देश है एक समय ये इंग्लैंड का यूरोप के दूसरे देशों का गुलाम बन गया था और भैया झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ था सिर्फ यूरोप के लोगों ने एक बीमारी वहां पहुंचा दी थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा अमेरिका गुलाम बन गया था उसकी कहानी को हम लोग कल डिस्कस करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी कल जरूर आइएगा शाम को आठ बजे हम लोग आपसे मिलेंगे सर चेक कर लीजिएगा अब अगर आप लोग कोई चीज पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं सर आपके चैनल का नाम क्या है हमारा चैनल उसका नाम है ट्रेंडिंग है भाई अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं निष्ठा मैडम की तबीयत थोड़ी खराब है मेरे दोस्त इसी वजह से वो क्लास नहीं दे रही है सर कितना लेक्चर में खत्म होगा ये चैप्टर कम से कम छह से सात लेक्चर में खत्म होगा ठीक है आप कोई चीज पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जैसे मैंने कहा था जय हो यीशु प्रीतक की ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है अच्छी बात है ठीक है सर आप होमवर्क चेक नहीं करते हैं तो मेरे भैया क्या मैं अब होमवर्क को चेक कर, कर आंसर लिख के भेजूंगा राजेश तुम्हारा होमवर्क चेक हो गया चेक करने का मतलब होता है देख लिया गया है सर चैप्टर थ्री है ये जी जी चैप्टर थ्री है मेरे दोस्त आपकी किताब के अंदर ये दूसरा हो सकता है मेरे दोस्त एनसीईआरटी के हिसाब से इसको अगर हम देखते हैं तो ये आ, चैप्टर थ्री बनता है है ना सर आप अपने चैनल का लाइव आते हैं क्या कभी कभार लाइव आते हैं कभी कभार लाइव आएंगे आ, कोई और चीज अगर आप लोग पूछना चाहें चलिए सर ये बैच फ्री है कि पैसे का है मेरे लल्ला हम आपसे कोई पैसा वैसा लिए हैं क्या ये तो मेरे दोस्त आपको दिख रहा है कि एक प्रकार से सर फतेह का मतलब क्या होता है फतेह का मतलब होता है जीत फतह का मतलब होता है जीत के कैसे एक देश को जीत लिया गया बिना किसी झगड़े के बिना किसी लड़ाई के सिर्फ बीमारी की मदद से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में आ, सर मेरा नाम ले लीजिए आपका नाम है अविनाश यादव यादव जी आप घर पे खड़े हो जाइए मम्मी के सामने डांस कीजिए और कहिए कि मम्मी हमारे सर ने हमारा नाम ले लिया है पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कोई डायलॉग है कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगा मेरे दोस्त पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा इसके लिए चलिए बहुत बढ़िया अब हम लोग क्या करते हैं अपनी क्लास को समाप्त कर देते हैं आठ बजे पैंतालीस मिनट हो गए हैं आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया कल मुलाकात करेंगे शाम को आठ बजे नेट का ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर और उसकी एप्लीकेशन पर ये टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे से मिलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया